मोदी का नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के साथ आज होगी द्विपक्षीय बैठक। G20 की बैठक के लिए अबुजा से ब्राजील जाएंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दौर। नागपुर में आज कंगना रनौत और प्रियंका गांधी होंगे आमने सामने। अमित शाह 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी 3 जनसभा करेंगे। वक्फ कानून पर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता माधवी लता की जोरदार टक्कर। ओवैसी ने पीएम मोदी पर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने की साजिश का लगाया आरोप। माधवी लता ने किया पलटवार। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे से किनारा किया। कहा, क्या आपस में लड़वाना चाहते हो? अगर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। इम्फाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं। 6 थानों से एफ्सपा हटाने की मांग। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 10 नवजात बच्चों की जलकर हुई मौत की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। कमेटी 1 हफ्ते में सरकार को देगी रिपोर्ट। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। एक पोहे वाले की दुकान में पहुंचकर राहुल ने बनाया पोहा। पोहा तैयार होने के बाद प्लेट में सर्व करते भी नजर आए। दिल्ली की जहरीली हवा में कोई सुधार नहीं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। तीन दिन से लागू है ग्रैप की 3 पाबंदियां।